Hello guys, how are you all and welcome back to my channel. I hope everyone's doing great. So guys, बहुत टाइम से हमने हॉल वीडियो नहीं किया था, सो मैंने सोचा कि चलो हॉल वीडियो करते हैं. सो रेंडमली आई परचेज सम आइटम्स फ्रॉम H&M, सो आई थॉट दिस दैट मेक एन हॉल वीडियो ऑफ दैट. सो टुडे आई रिसीव माई पार्सल, दिस ह्यूज पार्सल, अभी कुछ टाइम पहले H&M पे. सो मैंने कुछ आइटम्स भी परचेज किए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एंड बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले जो लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, जो मैंने फर्स्ट आइटम परचेज किया वो था दिस जीन्स, ग्रे जीन्स. एंड इस कलर में मेरे पास कोई जीन्स भी नहीं थी एंड मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी जब मैंने वहाँ पे देखी, सो मैंने इसको तुरंत परचेज कर लिया. सो या द प्राइस वो दिस जीन्स इज 1999 यानी कि 2000, लेकिन मुझे ये सेल में मिली थी समथिंग फॉर 1600 समथिंग की. मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दूँगी. गाइस जीन्स बहुत ही कंफर्टेबल है, हाई वेस्टेड जीन्स है एंड इस जीन्स में ना ये सिंगल बटन नहीं है, इसमें बहुत सारे बटन्स हैं. सो इससे जो आपको लुक है ना वो बहुत ही अच्छा लुक देती है ये जीन्स. सो जो लोग ग्रे कलर में जीन्स देख रहे हैं, आई रिकमेंड देम कि अगर आपको जीन्स लेनी है तो इस जीन्स को ज़रूर परचेज करें. ये मुझे परफेक्टली फिट आ गया गाइस और इसकी जो लेंथ है ना परफेक्ट लेंथ है, सो आई लव दिस जीन्स. सो जो मेरा नेक्स्ट परचेज की थी वो की थी ये टी शर्ट, पिंक टी शर्ट एंड आई लव द फैब्रिक, बहुत ही कंफर्टेबल टी शर्ट है एंड इसका प्राइस है 399, बट ये भी मेरे को डिस्काउंट करके कुछ प्राइसेस पे दी, आई डोंट रिमेंबर दैट, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी. बट दिस आई लव दिस टी शर्ट क्योंकि ना ये बिल्कुल सिंपल है, इस पर कोई प्रिंट नहीं है और जो सिंपल चीज़ें होती हैं मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. इसका कलर बहुत अच्छा है एंड समर्स के लिए परफेक्ट. मैंने थर्ड आइटम परचेज किया ये ब्लू टॉप, ये बहुत ही प्रिटी टॉप है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसका डिज़ाइन बहुत प्रिटी है एंड इस टाइप का टॉप मेरे पास कोई था भी नहीं इस कलर कॉम्बिनेशन में स्पेशली. एंड ये थोड़ा कॉलर टाइप लुक देता है, थोड़ा सा डीप है बट आई एडजस्टेड. एंड इसकी स्लीव्स मुझे थोड़ी सी साइड से लूज लग रही थी, ये मुझे थोड़ा ऑल्टर कराना पड़ेगा, बट आई रियली रियली लाइक दिस टॉप. इवन दो इन समर्स में ना ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, सी थ्रू, इतना सी थ्रू नहीं है, सम लिटिल लिटिल, बट इट्स ओके आई मैनेज, बट ओवर एंड ऑल आई लाइक इट. इसका प्राइस था 799, बट ये भी मुझे डिस्काउंट करके थोड़ा कम में मिला एंड मुझे अच्छा लगा सो इसलिए मैंने परचेज कर लिया, बट आई लाइक दिस टॉप. नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज की दिस वाइट हाई वेस्ट जीन्स. वाइट में मेरे पास कुछ था बट इस वाइट में नहीं था, थोड़ा इससे डल कलर था, क्रीम कलर बोलो, बट ये भी बहुत अच्छी जीन्स है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल फिट आई है इन माई साइज़ एंड इसका प्राइस था 1499 और ये भी डिस्काउंट करके मुझे थोड़ा कम प्राइस में मिली, बट इट्स थोड़ा सा यू नो आप बोलेंगे स्ट्रेचेबल नहीं है ये, इट्स फिट, कॉटन में है एंड मुझे काफ़ी टाइम से इस टाइप की जीन्स चाहिए थी. इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता इसको पहनने के पास. इवन दो इन समर्स में अगर हम जीन्स पहनते हैं तो मुझे ना बहुत इचीनेस फील होता है जीन्स में, कंफर्टेबल नहीं लगती है, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, बट दिस जीन्स इज़ रियली रियली गुड एंड मुझे ये बहुत पसंद आई, पहनने के बाद भी आई फील रियली कम्फर्टेबल. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस, सो मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का लिंक मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज किया दिस शर्ट एंड आई लव वाइट कलर्स, आई लव वाइट शर्ट, यू नो एनी शर्ट कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो मुझे अच्छा लगता है. सो मैंने ये देखा तो मुझे ये शर्ट भी बहुत अच्छी लगी, फुल स्लीव्स की शर्ट है, थोड़ी सी थ्रू है लिटिल, बट आप इससे अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप कोई भी स्टाइल इससे क्रिएट कर सकते हैं. सो मैंने ये स्टाइल करने के लिए ये शर्ट परचेज की है बेसिकली एंड ये कॉटन में है, बहुत ही प्रिटी है. इसका प्राइस था 799, इस पर भी डिस्काउंट लग के वो भी मैं मेंशन कर दूँगी. सो या इट्स अ नाइस वन, आई लाइक इट. सो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज किया
रिप्ड वेस्ट टॉप एंड ऑरेंज इन अ कलर, ये भी बहुत प्रिटी बहुत स्टाइलिश टॉप है एंड ये काफ़ी ज़्यादा यू नो ट्रेंडिंग में भी है. यू कैन स्टाइल विद योर स्कर्ट्स, विद योर जीन्स, विद हाई वेस्ट जीन्स, एनीथिंग दैट यू हैव इन योर वार्डरोब. सो आई रियली लाइक दिस. बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है ये, काफ़ी अच्छा है. गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस सिल्वर पेंडेंट एंड इसमें बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई का डिज़ाइन है. ये मुझे ना बहुत टाइम से चाहिए था, लेकिन मेरे पास कुछ ज्वेलरी भी थी लेकिन गोल्ड में थी, मेरे पास सिल्वर में इस टाइप का कोई भी ऐसा पेंडेंट चेन में नहीं था एंड मुझे मिल भी नहीं रहा था एंड आई वांटेड इट सो बैडली. सो जैसे ही मैंने इसको स्टॉक में देखा आई परचेज्ड इट. सो इसका प्राइस समथिंग 499 था, ये भी डिस्काउंट करके कुछ प्राइस पे मुझे मिला था, आई मेंशन हियर. सो या ये बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही सुंदर है एंड इसको भी मैं काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ स्टाइल करने वाली हूँ एंड ये मेरा फेवरेट है एंड आई लव दिस पेंडेंट, बहुत ही सुंदर है. ओके सो लास्ट वन, दिस वाइट क्रॉप टॉप. बेसिकली इसको मैंने लिया था ना स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि मुझे ना कुछ शर्ट के या ऐसे स्टाइलिंग के लिए टॉप चाहिए था एंड दिस क्रॉप टॉप. बट ये थोड़ा सा है सी थ्रू, थोड़ा सा है बट इतने प्राइस पे यार आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे. सो या इट्स ओके, नॉट गुड, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी इतनी कुछ खाती है बट इतने प्राइस पे ये ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है बट ओके काम चलाएंगे इससे भी. इसका प्राइस था कुछ 249 का, ये भी डिस्काउंट करके कुछ 180 समथिंग, आई डिडंट रिमेंबर दैट, आई मेंशन इट ओवर हियर, डिडंट लाइक इट बट फॉर दिस स्टाइलिंग वीडियोस इट इज़ ओके फॉर मी. या काम चलाएंगे गाइज इससे भी, और क्या कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियोज गाइज, आई होप यू इन्जॉय एंड लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन डू हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड. सो मिलते हैं गाइज ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.